अरे कोई देख लो, अरे कोई ध्यान दो, अरे सुनो, मैं धरने पर हूँ भाई, लाओ फोन करके ही बता देता हूँ कि मैं धरने पर हूँ। यही कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुखराम यादव, जिन्होंने खाली पीली एक ड्रामा क्रिएट कर दिया। चलिए आपको पूरा पहले मामला बताते हैं। दरअसल सुखराम यादव लखनऊ एक्सप्रेसवे से दिल्ली से कानपुर जा रहे थे। कठफोरी टोल से सांसद साहब की गाड़ी गुजरी तो टोल कर्मचारी ने टोल मांग लिया। तब तक टोल कर्मी ने गाड़ी पर लगा सचिवालय का स्टिकर नहीं देखा था, लेकिन बाद में जब पता चला तो टोल कर्मी ने कहा कि आपका टोल माफ है, आप जा सकते हैं। लेकिन सांसद साहब को तो ड्रामा करने का बहाना चाहिए था, वो मिल गया। इस ड्रामे का हम आपको कारण भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले टोल इंचार्ज की बात सुन लीजिए। मामला ये था, गाड़ी के पीछे गाड़ी आती है, आगे ट्रक था, पीछे एक गाड़ी आ रही थी कार, तो उसमें सचिवालय का पास लगा हुआ था। टीसी ने उसको देख नहीं पाया तो उसने ऊपर इंटरकॉम किया, तुरंत ही बोले साहब ये गाड़ी है। उन्होंने एक कार्ड दिखाया रेलवे का, तो टीसी ने कहा इस पे तो छूट है नहीं। फिर जब उसने जूम करके, कैमरा जूम करके सचिवालय का पास देखा तो गाड़ी दिख गई। तुरंत ही टीसी ने कहा साहब आपको छूट है, आप जा सकते हैं। इतने में वो बहस करने लगे, बोले मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा, मैं धरना दूंगा, और गाली गलौज भी की। फिर मैं तब तक पहुंचा, उनके लिए पानी वगैरह मंगाया, चेयर मंगाई, मैंने कहा साहब रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चा है, गलती हो गई। करीब 20 लोगों ने उनसे माफी मांगी, मगर वो अपनी जिद पे अड़े रहे और वहां से हटे नहीं। सुना आपने, टोल कर्मी तो अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसके लिए तो टोल कर्मी की तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन सांसद साहब को तो तमाशा बनाना था। टोल कर्मी ने माफी मांगी लेकिन बात नहीं बनी, सीनियर मैनेजर को बुलाया गया। सुनिए सीनियर मैनेजर ने क्या कहा। टीसी ने भूलवश जान नहीं पाया वो कि ये सांसद जी हैं, क्योंकि बैनर वगैरह कोई नहीं था, मर्सिडीज गाड़ी थी, तो उसके अंदर नहीं समझ पाया। वो गाड़ी आगे हो चुकी थी बूथ से, तो वो जान नहीं पाया कि उस पर पास लगाया। जब कंट्रोल रूम से पता चला, जूम करके बताया, तब उसने कहा कि साहब आपको छूट है। पहले उसने एक बार मना कर दिया, इससे उनको गुस्सा आ गया सांसद जी को। फिर ये लोग रिक्वेस्ट करते रहे, टीसी भी करता रहा, ये लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे। उन्होंने कहा हम ऐसे जाएंगे नहीं जब तक हम यहाँ पे टोल बंद नहीं करा देंगे, इसलिए वो रोके रहे। उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक हम जाएंगे नहीं, ये लोग रिक्वेस्ट नहीं करते। अब सुनिए इस पूरे तमाशे के पीछे की कहानी, जिसका दूर तक का नाता है। दरअसल इन दिनों सांसद सुखराम यादव को सपा में कोई तवज्जो नहीं मिल रही है, सांसद साहब बड़े परेशान हैं। इसीलिए सांसद साहब पाला बदलने की फिराक में हैं। इसीलिए ये सब खाली पीली तमाशा किया जा रहा है। ये सारा तमाशा बीजेपी को दिखाने के लिए था कि लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि समाजवादी पार्टी के समय में बनवाया गया था, जिसका सपा गुणगान करते नहीं थकती है, उसी लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सांसद साहब के प्रति लापरवाही बरती गई। बस बात सिर्फ इतनी सी थी। और इन सब में गेहूं में घुन की तरह पिसे बेचारे ये टोल कर्मी, जो कि सांसद साहब को मनाते रहे, माफी मांगते रहे। जब लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए तो सांसद जी को लगा कि हाँ अब काम पूरा हो गया, तो आखिरकार मान गए। और काफी मान मुनव्वल के बाद सांसद जी धरने से उठे और अपने घर रवाना हुए। अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक सांसद सुखराम के ये बगावती सुर पहुंचे या नहीं पहुंचे ये तो पता नहीं, लेकिन अटेंशन पाने के लिए नेता क्या क्या कर सकते हैं ये जरूर पता चल गया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर, और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।